Good morning everyone, welcome back to our channel and hope you all are doing well. और हम लोग भी ठीक ठाक से हैं. Today is last day of पूरी, तो सुबह सुबह हम लोगों का बीच का प्रोग्राम बन गया. मैं अब मेरा मुंह का हाल ऐसा है ना, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया और सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाया. अभी हम लोग बीच पे जाएंगे बोल के, लेकिन बाहर इतना तेज बारिश हो रही कि निकलने का प्लान, मतलब पता नहीं, थोड़ा सा बारिश रुकेगा फिर हम लोग निकलेंगे. और मयंक भी मेरा रेडी है छोना बीच पे जाने के लिए. और जिस दिन से आया ना, उस दिन से बोल रहा है कि समंदर जाना है मम्मी, नहाना है मम्मी. तो चलिए आज चलते हैं बीच पे. फिलहाल पैकिंग स्टार्ट हो चुका है हम लोगों का, क्योंकि आज निकलना है, रात का ट्रेन है, तो उसका भी थोड़ा बहुत पैकिंग हम लोग कर ले रहे हैं. फिलहाल तो ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद बीच पे जाएंगे. चलिए जी, ब्रेकफास्ट हम लोगों का हो चुका है और अभी हम लोग रेडी है कहाँ जाने के लिए. शेखर जी, बीच पे हम लोग बीच पे जाने के लिए रेडी है. और मयंक भी रेडी. ए मयंक, तुम रेडी है? ही इज सो मच एक्साइटेड. चलिए हम लोग बीच पे निकलते हैं, फिर बीच पे आप लोगों से मैं मिलती हूँ. आज लास्ट डे यार, आज हम लोग अच्छा नहीं लगा. आज हम लोग चले जा रहे भाई, हम लोग चले जा रहे. चलिए फिलहाल तो बीच पे चले. बाहर निकलते ही इतना तेज बारिश स्टार्ट हो गया था कि हम लोग सोचे कि चलो यहाँ लॉन्च में थोड़ा सा वेट कर लिया जाए, बारिश थोड़ा सा रुक जाए, तो फिर बीच साइड जाएंगे. बहुत ही तेज बारिश हो रही है बाहर में. और मैं आप लोगों को एक बार रिसेप्शन एरिया दिखा दूँ. ये जो एरिया है ना, यहाँ रेस्टोरेंट है नीचे. कल रात को मैं बोल रही थी ना, हम लोग यही वाला रेस्टोरेंट में, नीचे वाला रेस्टोरेंट में गए थे बेसमेंट में. और इस साइड से भी रूम है और उस साइड से भी रूम है, तो बहुत ही बड़ा एरिया है. हम लोग निकले अभी और निकलते घर में देखिए बारिश स्टार्ट हो गया. छाता देखे हम लोग खड़े हैं कि बारिश थोड़ा सा रुक जाए, तो फिर हम लोग निकले. इतना तेज बारिश हो रही है. ये मौसम बड़ा अच्छा है, लेकिन आप लोग अगर आइएगा ना, तो आप लोग जरूर से ठंडा में आने का कोशिश कीजिए. उस समय इस तरह का बारिश नहीं होती है और आप लोग बहुत अच्छे से घूम सकेंगे. फिलहाल बारिश थोड़ा सा रुक जाए, फिर हम लोग चलते हैं बीच. चलिए छाता लगा लिया है, अभी निकल रहे हैं. ये देखिए थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है. और मैं आपको दिखा रही हूँ रोड का हाल. ये देखिए कितना ख़राब हाल है रोड का. ऊपर से बारिश, ऊपर से गाड़ी, ऊपर से मतलब बहुत ही मेसी और ख़राब हालत है. और फाइनली हम लोग बीच पे पहुँच गए हैं. जब तक बीच पे पहुँचे तब तक बारिश थोड़ी सी रुक गई थी यहाँ पे. वही मैं शेखर जी को बोल रही थी कि बारिश रुक गया है, तो वो भी बहुत एक्साइटेड कि चलो हम लोग जाए समुंदर में. और मयंक को देखिए, इसका तो अलग ही एक्साइटमेंट है. एक्चुअली बड़े होने के बाद ना, मयंक पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा है, तो बचपन में तो इन सी बीच पहुंच गए हैं. बहुत हवा चल रही है, अभी बारिश रुका हुआ है थोड़ा सा. और यहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई है आज. ये देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है मेरे पीछे. और मैं जस्ट पूरी होटल के सामने जो सी बीच है वहीं पे हम लोग आए हुए हैं. चलिए देखते हैं. और यहाँ पे मयंक को चढ़ाने गए थे हम लोग कैमल में, लेकिन मैं चढ़ गई, वो नहीं चढ़ा. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस एक्चुअली था यहाँ पे कैमल में घूमना, तो मैं वही एक्सपीरियंस कर रही थी, आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ. आप लोग ज़रूर यहाँ आइएगा ना पूरी बीच में. तो कैमल अमेजिंग एक्सपीरियंस कैमल में. ये वाला कैमल है 100 रुपीस बड़ा लोग का, और बच्चे लोग का, छोटे बच्चे लोग का 50 रुपया ना. ये वाले भैया है
जो हम लोगों को घुमाया है, मुझे घुमाया एक्चुअली। इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस गाइस। अब मैं जा रही हूँ समुंदर पे। कैमल एक्सपीरियंस के बाद हम लोग अभी निकल रहे हैं समुंदर किनारे, मतलब जहाँ तक पानी आ रहा है, और मैं बड़ा इंजॉय कर रहा था। मैं थोड़ी ही देर में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये वाला अमेजिंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत सारे लोग यहाँ पे ये वाला जो समुंदर का जो बात होता है ना, वो एक्सपीरियंस कर रहा था, इंजॉय कर रहा था। तो हम लोग भी थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम स्पेंड किए, इंजॉय किए। थोड़ा बहुत टाइम हम लोग स्पेन नहीं किए, हम लोग यहाँ पे 2 से 2.5 घंटा तक थे। और कैसे इंजॉय किए वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर दे रही हूँ। आने के बाद अभी फिलहाल लंच वगैरह तो कर चुके हैं, फ्रेशन अप होके, और अभी जा रहे हैं हम लोग गोल्डन बीच के तरफ। देखें, क्योंकि आज लास्ट डे है तो जितना हो सके हम लोग कवर कर सके। गोल्डन बीच पहली बार जा रहे हैं, आप लोगों को मैं साथ में लेके चलती हूँ। चलिए, चलो भाई गेट खोलो। चलो हम खोले ऊपर का। देखिए शेखर जी भी रेडी है। लंच कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। चलिए ये देखिए, ये भी जाने के लिए रेडी है। इसको अभी नींद नहीं आता है। हाँ, इसको नींद एकदम नहीं आता है। गोल्डन बीच जाना है, सब जगह इसको घूमना है। स्कूल जाने के टाइम पे ना इसको नींद बहुत तेज आता है। हाँ भाई, हाँ भाई, नींद आता है? नहीं आ रही नींद? हाँ भाई, अभी अभी नींद नहीं आ रहा जी। अभी हम लोग जा रहे हैं गोल्डन बीच। चलिए आप लोगों को भी लेके चलती हूँ। बहुत तेज धूप है, सुबह में इतना तेज बारिश, अभी तेज धूप। यहाँ का वेदर अभी पता नहीं कैसा है, और धूप इतना ज़्यादा तेज है ना, गर्मी लगने लगती है, और नहीं तो बारिश स्टार्ट हो जाएगा। गाइज, गोल्डन बीच शॉर्ट वॉक बिल्कुल नहीं है। हम लोग जहाँ होटल में रुके हैं विशाल, उसका बगल में जहाँ पे हम लोग लंच करने गए थे, तो बोला शॉर्ट वॉक है उन लोग के लिए है, हम लोग के लिए नहीं है। आप लोग अगर विशाल होटल से आते हैं ना गोल्डन बीच, प्लीज़ ऑटो या टोटो कर लीजिए। पैदल मेरा तो हालत ख़राब हो रही है चलते चलते। राजभवन के बिल्कुल बगल में है बीच, बहुत ही अच्छा जगह है। लेकिन प्लीज़ अगर आप होटल उस साइड रुके हो, मतलब सी बीच के वहाँ पे पूरी होटल या फिर विशाल होटल में रुकते हो, तो प्लीज़ आप लोग ऑटो या टोटो लेके ही आइए गोल्डन बीच। पैदल तो वक्त बिल्कुल मत कीजिए, मेरा हालत ख़राब हो रहा है। बीच में ना एंट्री के लिए टिकट भी लगता है। हाँ, आगे काउंटर है, टिकट लेके फिर आपको बीच में एंट्री करने देगा। देखते हैं बीच कैसा है, पहला एक्सपीरियंस अच्छा ही होगा। और ये है गोल्डन बीच एरिया, ये बहुत ही खूबसूरत एरिया है। ये न्यूली बनाया गया है फॉर टूरिस्ट, आप लोग चाहे तो यहाँ विजिट कर सकते हैं। हम लोग टिकट भी कटा लिए, बहुत धूप है यहाँ पे। हम लोग टिकट कटा लिए हैं, 30 रुपीज़ लगा हम लोगों का टोटल, 3 इंक्लूडेड बच्चा, मतलब हस्बैंड वाइफ बच्चा, 30 रुपीज़। ठीक है, ईच नहीं, टोटल मिला के 30 रुपीज़ नहीं, सॉरी 60 रुपीज़ लगा हम लोगों को।
तो अभी हम लोग यहाँ पे ना बहुत अच्छा एक होटल भी है, गोल्डन पैलेस होटल। हम लोग अगर नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो यहाँ पे ट्राई करेंगे ये होटल में। हाँ, और अभी जा रहे हैं हम लोग बीच की तरफ। मयंका शेखर जी एज यूजुअल आगे आगे और मैं पीछे पीछे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हुए। फाइनली वी रीच गोल्डन बीच और यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे और ये है गोल्डन पैलेस होटल। तो मैं आप लोगों को एक बार व्यू दिखा दे रही हूँ। इट्स अमेजिंग व्यू था गाइस। आप लोग अगर आ रहे हैं ना ओडिशा तो गोल्डन बीच एक बार विजिट कीजिए, यहाँ पे टाइम स्पेंड करने। फिलहाल हम लोग अभी गोल्डन बीच पे हैं और यहाँ बहुत ऑसम सा, मतलब सिचुएशन तो बहुत ही अच्छा है, बीच भी बहुत अच्छा है और हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे इंजॉय करेंगे और उसके बाद होटल और उसके बाद ट्रेन गाइस। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग टाइम स्पेंड करें, फैमिली टाइम। शेखर जी हेलो तो बोल दीजिए व्यूअर्स को, सिर्फ आप हेलो ही बोलते रहते हैं। कैसा लग रहा है पूरी? बहुत अच्छा। व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लग रहा है। और बाय द वे मैंने इंस्टाग्राम में जो रील शेयर किया था उसमें बहुत सारा लाइक्स आए हैं, इसलिए थैंक यू सो मच गाइस। और पीछे मेरा गोल्डन पैलेस दिख रहा है, गोल्डन पैलेस होटल है ये भी बहुत अच्छा होटल है। नेक्स्ट टाइम हम लोग आएंगे तो शेखर जी बोले कि यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे। एनीवेज चलिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ और उसके बाद होटल पहुँचती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हम लोग ना गोल्डन बीच से आ चुके हैं, अभी 3:30 बज रहा है कि वहाँ पे बहुत अच्छा लगा और उसके बाद थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया क्योंकि आज रात को हम लोगों को निकलना भी है। रात को 8:15 का ट्रेन है, पूरी एक्सप्रेस, हावड़ा पूरी एक्सप्रेस सुपर फास्ट। तो नहीं दुरंत नहीं है भाई, हावड़ा पूरी है। तो मैं कुआ से बोल रहा है दुरंत। अभी थोड़ा बहुत हम लोग रेस्ट करेंगे क्योंकि फिर शाम को निकलना भी है, पैकिंग भी बाकी है। थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ और पूरी हावड़ा पूरी एक्सप्रेस का पूरा डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को भी थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए।